अगर आपको पिछले 5 महीने से आपका वेतन ना मिले और एक दिन आपको पता लगे कि जो नौकरी जिसके सहारे आप अपने परिवार का पेट पाल रहे थे वो भी आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राजनिवास को एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें 10,000 सिविल जो ये कर्मचारी थे डिफेंस के, इनको नौकरी से बर्खास्त करने की बात की गई थी। कल उस प्रपोजल को जो है वो पास कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं 10,000 में से जो बहुतात गिनती के लोग हैं 8,500 के करीब, वो दिल्ली की बसों में आपको हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो दिल्ली की बसों में आपको और हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल ही हैं। क्या कर रहे हो ये सर? देश सेवा कर रहे हैं। अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रहे हो किसी से। सर जी क्या करें, डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया तो क्या करें? हमारे देश के मंत्री संतरी सारे मिले हुए हैं। अरे ये अब बेरोजगार हो गए, घर तो चलाना ही है, ठीक नहीं लगता, बीवी बच्चे तो पालने। सर जी क्या करें इस वर्दी में ऐसा काम करना हमारे देश? सर जी क्या करें, वर्दी तो हमने अपने पैसों की खरीदी है, हमारा कपड़ा है, कोई देश ने तो दी नहीं है, ये सारा कुछ हमारा खरीदा हुआ है। वर्दी का सम्मान तो रखना चाहिए, वर्दी का सम्मान कर...